दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर आपके सामने हूं एक नए व्यक्ति के साथ। दोस्तों हमारे देश में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी सेना है, जो उनकी वर्दी है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसी सेना है जो दिन रात सीमाओं पर खड़े होकर हमारी पहरेदारी करती है, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। ये वर्दी हमारी शान है, आन बान शान है, इस देश की पहचान है। इस वर्दी के लिए ये जान कुर्बान। So, चलिए चलते हैं आज की कविता तरफ। आज की कविता है वर्दी की कीमत। अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के, जिनमें बलिदान की भावना मचलती है, अपने ख्वाहिशों का गला घोट के, जिनमें बलिदान की भावना मचलती है, मर मिटना चाहते हैं जो देश के लिए, उन किस्मत वालों को ये वर्दी मिलती है। अपनी ख्वाहिशों का गला घोट के, जिनमें बलिदान की भावना मचलती है, मर मिटना चाहते हैं जो देश के लिए, उन किस्मत वालों को ये वर्दी मिलती है। जो खड़े हैं देश की सरहदों पे, जो खड़े हैं देश की सरहदों पे, हर मौसम में हर समय हर हाल में, जो खड़े हैं देश की सरहदों पे, हर मौसम में हर समय हर हाल में, ये वर्दी है जो उन्हें खड़ा रखती है बारिश बाढ़ आंधी तूफान में। आप और हम अपने घरों में, आप और हम अपने घरों में जो बड़े आराम से चैन की नींद सोते हैं, आप और हम अपने घरों में जो बड़े आराम से चैन की नींद सोते हैं, हमारी इसी चैन की नींद के लिए सीमा पर वर्दीधारी खड़े होते हैं। राष्ट्र प्रेम का भाव समेटे वर्दी, राष्ट्र प्रेम का भाव समेटे वर्दी, बदल देती है इंसान को चट्टानों में। राष्ट्र प्रेम का भाव समेटे वर्दी, बदल देती है इंसान को चट्टानों में। तभी तो सीमा के रक्षक खड़े रहते हैं पर्वतों पे, जंगलों में, रेगिस्तानों में। यही सच्चे नायक हैं समाज के, यही सच्चे नायक हैं समाज के, इनके बलिदानों की नहीं कोई कीमत है। यही सच्चे नायक हैं समाज के, इनके बलिदानों की नहीं कोई कीमत है। आन बान शान है वर्दी देश की, ये वर्दी हमारी ताकत हमारी हिम्मत है। दोस्तों ये मेरी कविता है, प्लीज मुझे बताइए आपको ये कविता कैसी लगी। इस कविता को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगली बार जब मैं नई कविता अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।